कोरोना संक्रमण के दस्तक देने के दौरान लोगों की सहायता करने वालों को भले ही उस वक्त देश और सरकार ने इज्जत नवाजी हो, उन्हें कोरोना वॉरियर्स का तमगा भी दिया हो, लेकिन अब उनकी पीड़ा को सुनने वाला कोई नहीं है। कोरोना वॉरियर्स को सुविधा देने को लेकर सरकार भले ही बड़े बड़े वादे करे, लेकिन ज़मीनी हकीकत इससे कुछ अलग है। कोरोना रोग से ग्रसित होकर मौत के मुंह में जाने वाले लोगों के शव को जब परिजन हाथ लगाने से घबरा रहे थे, उस वक्त एक एम्बुलेंस ड्राइवर ऐसा था जो शव को अजमेर के जेलन अस्पताल की मॉर्चरी से ले जाकर शमशान में उनका अंतिम संस्कार करवाता था। यूं तो आकाश को गत वर्ष 15 अगस्त को कोरोना वॉरियर्स के रूप में नगर निगम सम्मानित कर चुका है, लेकिन अब जब आकाश के भूखे मरने की नौबत आ रही है तो नगर निगम उसकी सुध तक नहीं ले रहा है। आकाश ने बताया कि उसने अब तक 188 शवों का अंतिम संस्कार करवाया है। अब उसके पास इतनी राशि भी नहीं है कि वह उसकी एम्बुलेंस चला सके। ऐसे में उसने एम्बुलेंस को खड़ी कर दिया है और जैसे तैसे अपना पेट पाल रहा है। निगम के उपायुक्त खुशहाल यादव से भी गुहार लगाई है, लेकिन उन्होंने भी इस पर कोई ध्यान नहीं दिया है। अब आकाश ने नगर निगम प्रबंधन को खुली चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही उसके बकाया 3,76,000 रुपये नहीं दिए गए तो वह नगर निगम में जाकर आत्महत्या कर लेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी नगर निगम प्रबंधन की होगी। सुनिए आकाश की पीड़ा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शुभम और आकाश है। शुभम, कितने समय से आप जो कोरोना संक्रमित हैं उनकी बॉडी के दाह संस्कार के लिए गाड़ी चला रहे हैं, और पूरा क्या मामला है आपका? मेरा पूरा मामला ये है, अप्रैल माह से लेकर दिसंबर माह तक कोरोना काल जैसी घातक महामारी में कोरोना से मृतक पॉजिटिव बॉडियों को मैंने कब्रिस्तान और शमशान तक पहुँचाया है। जिस महामारी में अपने परिजन हाथ लगाने को डर रहे थे, उन व्यक्तियों को मैंने शमशान और कब्रिस्तान पहुंचाया है, मेरे अधिकारियों के कहने पर। क्या वादा किया गया था अधिकारी द्वारा आपको नौकरी देने का? 2,000 रुपये पर बॉडी का मुझे आश्वासन दिया गया और नौकरी का आश्वासन दिया गया मुझे। उसके बाद अब क्या स्थिति है? अभी ये स्थिति है कि 7 महीनों से मैं नगर निगम प्रशासन के चक्कर लगा रहा हूँ, अभी तक मुझे आश्वासन दिया जा रहा है, मेरी भुगतान की कोई चर्चा नहीं है, कोई अधिकारी कान खोल के नहीं बैठा है अभी तक। कितनी बॉडी आप शमशान तक पहुंचा था? 188 बॉडियों का मैंने दाह संस्कार किया है, जिसकी भुगतान बनती है 3,76,000 रुपये। उसका 1 रुपया भी नहीं मिला है अभी तक? 376 रुपये नहीं मिला है मुझे अभी तक। अब क्या चाहते हैं आप? या तो नगर निगम प्रशासन मेरी भुगतान कर देवे, या मैं नगर निगम में जाके आत्महत्या कर लूंगा। उन नगर निगम प्रशासन से मैं यहाँ तक आ चुका हूँ। ठीक है, नाम बताएं। शुभम उर्फ आकाश।